कालू इंदौर में रहता था। उसके पापा हार्ट के पेशेंट थे। एक रात जब कालू अपनी कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था तो उसे अपने पापा के कमरे से करहाने की आवाज आने लगी। कालू अपने पापा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा दर्द से तड़प रहे थे। कालू ने तुरंत अपने पापा के डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी इसलिए डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ था। पापा, डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा, क्या मैं आपको किसी हॉस्पिटल में लेकर चलूं या आपकी इमरजेंसी दवाई लेकर आऊं? ये कहकर वो तेजी से उड़ते हुए मेडिकल हॉल की तरफ जाने लगा। लगभग सभी दुकानें बंद थी और रोड बिल्कुल सुनसान था। वहीं मेन रोड के बराबर में पतली गली थी जिसमें किसी मेडिकल हॉल का साइन बोर्ड चमक रहा था। कालू उस पतली सी गली में मुड़ गया। मेडिकल स्टोर अभी भी उससे काफी दूर था। कालू को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो कुछ कदम ही आगे चला होगा कि उसने अपने कान के पास आवाज सुनाई दी। वहाँ मत जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम फंस जाओगी, चली जाओ वापस। कौन है यहाँ? ये सुनकर कालू ने भागना शुरू कर दिया और वो जाकर सीधा मेडिकल पर रुका। मेडिकल स्टोर काफी बड़ा था। वहाँ एक बूढ़ा तोता, उसके दो नौकर थे। बूढ़ा तोता न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और नौकर सफाई करने में लगे हुए थे। कालू ने पर्चा देते हुए बूढ़े तोते से कहा, अंकल ये मेडिसिन मिल जाएगी क्या आपके पास? बूढ़ा तोता काफी देर तक पर्चा देखता रहा, फिर अपने नौकरों से बोला, बंटी तुम पर्चे में लिखी दवाई यहाँ ढूंढो और टुन्नू तुम अंदर स्टोरेज में जाकर चेक करो। एक नौकर मेडिकल स्टोर से बाहर चला गया और दूसरा मेडिकल के अंदर ही दवाइयाँ ढूंढने लगा। बूढ़े तोते ने कालू को दुकान के अंदर आकर बैठ जाने को कहा। बेटा यहाँ आकर बैठ जाओ, स्टोरेज से लौटने में बंटी को टाइम लगेगा। कालू दुकान के अंदर जाकर स्टूल पर बैठ गया। तभी कालू के फोन पर फिर कोई फुसफुसाने लगा। तुम फंस गए हो, अब यहाँ से निकलना तुम्हारा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कालू अब तो तू काम से गया। ये सुनकर वो डर गया। तभी हरी तोता उससे बोलता है, क्या हुआ बेटा तुम इतने डर क्यों रहे हो? कालू के पीछे एक अलमारी थी जिसमें एक भूतिया चिड़िया की आत्मा खड़ी थी और कालू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर कालू का वो डर गया। तभी वो देखता है कि हरी तोता भी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर वो भागने लगता है, लेकिन नौकर टुन्नू ने कालू का रास्ता रोक लिया और उसकी शक्ल भयानक हो चुकी थी और उसके हाथ में लंबा खंजर था। नौकर ने मेडिकल स्टोर का शटर गिरा दिया और खंजर लेकर कालू की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अलमारी से निकल आई और कालू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, कोई बचाओ। कालू मैंने तुझे बहुत समझाया कि यहाँ पर मत आ, लेकिन तू माना नहीं और तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, हम सब तुझे मार देंगे। ये भूतिया मेडिकल एरिया है, अब यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक किसी ने शटर उठा दिया और सबका ध्यान वहाँ चला गया। कालू ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो कालू के पापा के दोस्त जिगर बाबा थे। वो अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे। जैसे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी जिगर बाबा उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते है। बचाओ मुझे, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। ये कहते हुए वो सब जलकर राख हो गए। जिगर बाबा कालू को भूतिया मेडिकल स्टोर से बाहर ले आए। अंकल आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया था। तुम्हारे पापा को जिसका डर था वही हुआ। जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें दवा लेने भेज दिया तब उन्हें ध्यान आया कि मार्केट में सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पड़ता है जिस पर भूत प्रेत भटकते हैं। जब हम लोग तुम्हारे बराबर थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ एक मेडिकल हॉल असलियत में हुआ करता था। टूनी चिड़िया मेडिकल हॉल चलाया करती थी। किसी पारिवारिक कारण से
उसने और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। उसके दो पुराने वफादार नौकर जो कई वर्षों से मेडिकल पर काम करते थे अपने मालकिन के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी मर गए। उस समय सभी पक्षियों को उनकी मौत पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। आगे एक और मेडिकल स्टोर है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। और आगे भी कभी भी आना हो तो उसी मेडिकल पर जाना, यहाँ मत आना। ये पतली गली हमेशा सुनसान रहती है। उसके बाद वो दवाई लेकर अपने घर चला गया और फिर कभी दोबारा भूतिया मेडिकल स्टोर की तरफ नहीं गया। नागपुर गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर टुनटुनी अपनी इंटर्नशिप के चलते नाइट ड्यूटी के लिए पोस्टेड थी। उसके साथ उसके दो दोस्त सुंदरी कालू भी नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल में थे। क्लासेस के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के वांटेड रूम के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं वहां पहले मॉर्ग रूम हुआ करता था, लेकिन एक चिड़िया के वहां सुसाइड करने के बाद वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से उस वार्ड के सारे रूम और बेसमेंट को लॉक कर दिया गया था। वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और चाबियाँ बस सिक्योरिटी गार्ड हरिया चाचा के पास रहती थी। एक रात हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट नहीं थे तो उन्होंने सोचा, क्यों ना आज लोअर बेसमेंट जाकर उस जगह की तहकीकात की जाए। पर यार ये तो गलत होगा ना, अगर वो जगह बंद है तो किसी वजह से ही होगी ना। कुछ नहीं होगा तो फिक्र मत कर टुनटुनी। तीनों ने किसी तरह हरिया चाचा से छुपकर चाबी ली और बेसमेंट की तरफ चल दिए। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एकदम अंधेरा देख टुनटुनी घबरा गई। अरे यार चलो ना, देखो ना कितना अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन कोई टुनटुनी की नहीं मानता। जैसे जैसे वो सीढ़ी उतर रही थी टुनटुनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस लंबे से कॉरिडोर के रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी। तीनों घबराते हुए रूम तक पहुँचे। हर तरफ वो जगह बंद होने के बावजूद उस कमरे के आसपास बहुत जोरों से हवा चल रही थी। टुनटुनी को उस कमरे की खिड़की की रिफ्लेक्शन में पंखे से लटकी चिड़िया दिखी। वो देखो वहाँ। उसके चीखते ही मानो वो भूतिया चिड़िया की आत्मा गायब हो गई। कालू और सुंदरी उसके डर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे टुनटुनी तू तो सच में डरपोक है, देख यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो दोनों कमरे के अंदर जाने लगे, लेकिन टुनटुनी को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और वो कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर जाते ही टुनटुनी को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो और वो जोर से चीखी। अब कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है, कैसे बच पाओगी मेरे जाल से। इससे पहले कि कालू सुंदरी कुछ कर पाते, उन्होंने देखा कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को घसीटते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जा रही है। टुनटुनी टुनटुनी जल्दी आओ, हे भगवान ये सब क्या हो गया। वो टुनटुनी की तरफ भागने लगी। उस रूम का दरवाजा बंद हो गया और कालू और सुंदरी को भी उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक सारी लाइट बंद हो गई। उन्होंने वापस दरवाजा खोलने का ट्राई किया तो वो आसानी से खुल गया। बेसमेंट में एकदम अंधेरा था, पर कालू सुंदरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जब अपनी टॉर्च लाइट ऑन की तो उन्हें ऐसा लगा कि एक साया कॉरिडोर में घूम रहा है। दोनों साई पास आते ही बहुत जोर से चीखे और बेसमेंट से भाग निकले। ऊपर जाते उन्होंने हरिया चाचा और कुछ पक्षियों की मदद से बेहोश टुनटुनी को बेसमेंट से निकालकर ऊपर हॉस्पिटल के रूम में एडमिट किया। बच्चों तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें पता था ना वहाँ जाना मना है, फिर भी तुम लोग गए। भूतिया टूनी चिड़िया का साया है वहाँ पर, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। अगर कोई जाता है तो वो उसे बहुत परेशान करती है। अरे चाचा माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। टुनटुनी ने तो हमें काफी मना किया था, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी ठंडी पड़ी थी और कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। बचाओ वो मुझे मार देगी, बचा लो मुझे।
सारे सीनियर डॉक्टर ये देखकर शॉक थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टुनटुनी उस रात से 6 महीने तक कोमा में थी। होश में आने के बाद उसने कभी भी उस रात के बारे में दोबारा बात नहीं की। कालू सुंदरी कौवी अपनी उस एक शरारत को आज तक रिग्रेट करते हैं। अब उस भूतिया मॉर्ग रूम में कोई नहीं जाता। बंटी की माँ कुएं से पानी भर कर घर लौट रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। बंटी फौरन अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक बंटी के सामने एक बड़ी सी एम्बुलेंस आकर रुक जाती है। उस एम्बुलेंस के अंदर एक नर्स चिड़िया बैठी थी। चलो अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाओ, हमारा अस्पताल यही पास में है। बंटी अपनी माँ के साथ अंदर बैठ जाता है। थोड़ी दूर के बाद एम्बुलेंस घने जंगल में एक अस्पताल के पास पहुँच जाती है। वो अस्पताल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। अरे तुम दोनों हमें ये कैसी जगह पर ले आई हो, ये अस्पताल तो बहुत ही डरावना दिख रहा है। तभी वो चिड़िया नर्स अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो हंसती हुई बंटी और बबली को पकड़ कर अस्पताल के अंदर ले जाती है। अंदर एक भूतिया टुन्नू चुड़ा की आत्मा डॉक्टर था। वो दोनों मिलकर उन दोनों को मारकर खा जाते हैं। इस तरह वो भूतिया टुन्नू चुड़िया की आत्मा रोज एम्बुलेंस को लेकर जंगल में घूमा करती थी। जब भी उन्हें कोई बीमार या जख्मी दिखाई देता तो उस पक्षी को अपने भूतिया अस्पताल में ले जाकर उसे मार देती। दूसरी तरफ बंटी की पड़ोस में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। बंटी और उसकी माँ के अचानक गायब होने से टुनटुनी को बड़ी हैरानी होती है। आज पूरे 3 दिन बीत गए लेकिन बंटी और उसकी माँ का कोई पता नहीं, वो दोनों इस तरह अचानक कहाँ जा सकते हैं? फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, तभी उसे भूतिया चिड़िया की एम्बुलेंस दिखाई देती है। तभी भूतिया नर्स दो पक्षियों को अपनी एम्बुलेंस में बिठा रही थी। ये नज़ारा देखकर टुनटुनी को बड़ा अजीब सा लगता है। अरे अचानक जंगल में एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? और यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस के टायरों का पीछा करते हुए टुनटुनी चिड़िया उस भूतिया हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है। अरे ये तो बहुत ही अजीब हॉस्पिटल है, लगता है भूतिया चिड़िया की आत्मा इन पक्षियों को यहाँ लाकर मारती है। उसके बाद टुनटुनी छुपके से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। तभी उसे कांच की अलमारी के अंदर बंटी और उसकी माँ का कटा हुआ सर दिखाई देता है। हे भगवान, इन भूतिया चिड़िया की आत्मा ने तो बंटी और उसकी माँ को मार डाला। लगता है धीरे धीरे ये इस जंगल के सभी पक्षियों को इसी तरह मार देगी। मुझे किसी भी तरह इस अस्पताल को खत्म करना होगा। उसके बाद टुनटुनी वहाँ से भागकर पहाड़ी पर रहने वाली एक बड़े तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाती है। बाबा, हमारे जंगल के पास वाले जंगल में भूतिया चिड़िया का हॉस्पिटल है, वो पक्षियों को भूतिया अस्पताल में ले जाकर मार डालती है। आप फौरन कुछ करिए बाबा, वरना धीरे धीरे वो भूतिया चिड़िया की आत्मा कई मासूम की जान ले लेगी। तुम ठीक कह रही हो, किसी भी तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ साथ उसके भूतिया हॉस्पिटल को भी खत्म करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही तुम्हारे साथ उस भूतिया हॉस्पिटल में जाऊंगा। फिर रात होते ही टुनटुनी तांत्रिक बाबा को उस भूतिया हॉस्पिटल के पास ले जाती है। तांत्रिक बाबा अस्पताल से थोड़ी दूर पर आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते अस्पताल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। उसके बाद अपने पास रखा त्रिशूल उन बादलों के ऊपर फेंक देता है। फिर अगले ही पल बादलों के अंदर से ढेर सारा तेल अस्पताल के ऊपर गिरने लगता है। ये देख अस्पताल में मौजूद सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। तभी तांत्रिक बाबा टुनटुनी के हाथों से जलती हुई मशाल लेकर अस्पताल के ऊपर फेंक देता है और भूतिया अस्पताल धू धू करके जलने लगता है। उसके साथ ही भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा भी जलकर राख हो जाती है।